तुम मंदिरों में क्या कर रहे हो, मस्जिदों में क्या कर रहे हो, परमात्मा को सलाह दे रहे हो ऐसा करो वैसा करो, कि मेरी पत्नी बीमार है उसको ठीक करो, कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगाओ, मांगे जा रहे हो भिकमंगों की तरह। और अगर नौकरी न लगी तुम्हारे बेटे की तो निराशा आ गई, अगर पत्नी ठीक न हुई तो निराशा आ गई, हो गई ठीक संयोग वसात तो भी झंझट। मैं जबलपुर में था, एक शाम अपने बगीचे में टहल रहा था और एक सज्जन मिलने आ गए, तो वहीं खड़ी कार से मैं टिक के खड़ा हो गया और उनसे बातें करने लगा। उन्होंने जल्दी से नोटबुक निकाली, कुछ नोट करने लगे। मैंने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा कि बस इशारा आपने दे दिया। मैंने कहा मैं अभी बोला भी नहीं, ऐसे तो मैं बोल बोल के परेशान हो जाता हूं, तो भी लोगों को इशारे नहीं मिलते, तुम तो गजब के ज्ञानी मालूम होते हो। मैंने कहा जरा देखूं क्या नोट किया, नोट किया उन्होंने कार का नंबर। कहने लगे मैं यही पूछने आया था कि लॉटरी में कौन से नंबर का टिकट खरीदूं, आपने भी गजब कर दिया, नंबर सीट टिक के खड़े हो गए। इशारा मैं फौरन समझ गया, अरे वाह, मैंने कहा भी नहीं पूछा भी नहीं अभी, और आप हाथ रख के नंबर पे ही खड़े हो गए, साफ कह दिया, अब और क्या है। मैंने कहा अब तुम मुझे झंझट में डालोगे, अगर ये नंबर ना निकला तब तो कुछ हर्जा नहीं, मेरा तुमसे छुटकारा हुआ, तुम कहीं और नंबर तलाशोगे, मगर संयोग वसात भूल चूक से अगर ये नंबर कहीं लग गया तो तुम मेरी गर्दन से बंधे। लोग वासनाओं से भरे, तृष्णाओं से भरे, अपनी कल्पनाओं के जाल से भरे चल रहे। अब मैं भी उनसे कह रहा हूं कि मेरा कोई इशारा नहीं, ये तो सिर्फ मैं टिक के खड़ा हो गया, तुमसे बात करनी थी, ये मेरे घूमने का समय था, तुम बेवक्त आ गए हो, गाड़ी पास थी तो टिक के खड़ा हो गया हूं, मुझे क्षमा करो गलती हो गई, मगर वो मेरी सुनने को राजी नहीं, वो तो जल्दी से नमस्कार किए और चलते बने। उन्होंने कहा कि बस चलता हूं, बात हो गई। वासनाओं से भरा हुआ आदमी वही देखता है जो देखना चाहता है, वही सुनता है जो सुनना चाहता है, वासनाएं उसे वह नहीं देखने देती जो है, वह नहीं देखने देती जो चारों तरफ मौजूद है, वासनाएं उसे छोटा सा जगत देखने देती, और वो जगत भी उसका अपना निर्मित होता है। चंदूलाल उन दिनों सड़क के किनारे विज्ञापनों के बड़े बड़े बोर्ड बनाया करता था। एक दिन वह ऊपर की सीढ़ी पर से नीचे आ गिरा तो उसे बहुत चोट आ गई। धब्बू जी उसे देखने अस्पताल पहुंचे, देखा चंदूलाल को जगह जगह फ्रैक्चर पर पट्टियां बंधी, सारे शरीर पर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस आंखें दिखाई पड़ती और मुंह दिखाई पड़ता है। डब्बू जी को बहुत दुख हुआ और कहा कि बहुत दुखी हूं, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। चंदूलाल ने कहा कि ऐसे नहीं होता, हां जब हंसता हूं तब जगह जगह दुख होता है। डब्बू जी ने कहा लेकिन इसमें हंसने की बात ही कहां, हंसते काहे के लिए। तो चंदूलाल ने कहा हंसने का कारण यह है, अब कुछ ना पूछो, न पूछो तो अच्छा है। अरे मैं जिस जगह काम कर रहा था उसके सामने वाले मकान की खिड़की में एक नवयुवती अपनी ड्रेस बदल रही थी, वह अपना आखिरी कपड़ा उतारने ही जा रही थी कि सीढ़ी टूट गई और मैं नीचे आ गिरा और यह हालत हुई।
डब्बू जी ने आश्चर्य से पूछा कि लेकिन सीढ़ी टूटी कैसे, क्या तुम्हारे वजन से सीढ़ी टूटी? चंदूलाल बोले, अरे साली मेरे वजन से कहां, वह तो वे 25 आदमी और जो चढ़े हुए थे उनके वजन के कारण टूटी, कोई मैं अकेला थोड़ा सीढ़ी पे था, पूरा गांव ही चढ़ा हुआ था, सीढ़ी भी कब तक ठहरती। और इसलिए कभी कभी रह रहे के उनको हंसी आ जाती थी, वाह रे वाह। लोग जो देख रहे हैं, लोग जो सुन रहे, वह नहीं जो है, उनकी अपनी कल्पना के जाल, उनके लिए वो काफी कीमतें चुका रहे हैं, जिंदगी भर गमाते, हड्डी पसली टूट जाती, अस्थि पंजर रह जाते, मगर रोग वही पुराने के पुराने। इसीलिए सत्य को कहना मुश्किल। कल रात ही एक भारतीय मित्र ने, जो अमेरिका में निवास करते, संन्यास लिया, मैंने उन्हें नाम दिया अशोक मुनि। उनसे मैंने कहा, अशोक शब्द बुद्ध का शब्द, बुद्ध के पहले ज्ञानी अशोक की बात नहीं करते थे, आनंद की बात करते थे। आनंद का अर्थ होता है विधायक, और अशोक का अर्थ होता है दुख नहीं, नकारात्मक। बुद्ध को मजबूरी में अशोक की बात करनी पड़ी कि लोग ये सुन के कि परमात्मा सच्चिदानंद है, उसके प्रति ही वासना करने लगे। आनंद है तो पाके रहेंगे, आनंद शब्द उनके भीतर गुदगुदी उठाने लगा, आनंद शब्द उनकी लार टपकाने लगा, आनंद शब्द पर उनका लोभ लगने लगा, वासना जगने लगी, आनंद है तो पाके रहेंगे। आनंद से उन्होंने समझा कि महासुख, अनंत सुख, सुखी सुख, जिसमें दुख बिल्कुल नहीं बचा, ऐसा तो फिर दौड़ पड़े लोग। मगर आनंद की शर्त ही यही कि जब तक वासना है तब तक उपलब्ध नहीं होता। परमात्मा ने भी खूब उल्टी शर्त लगा रखी कि जब तक दौड़ोगे, जब तक वासना करोगे, तब तक आनंद उपलब्ध नहीं होगा। अब लगी फांसी, और आनंद चाहिए, मगर चाहिए तो मिलेगा नहीं। आनंद मिलता है उनको जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो कहते चाह ही गई, जिनके भीतर चाह का तूफान अंधड़ नहीं रह जाता, उनको आनंद मिलता है। लोग सोचते हैं परमात्मा तक को धोखा दे देंगे, वो कहते चलो यही सही, चलो चाह ही छोड़ देंगे। अगर चाह छोड़ने से ही आनंद मिलता हो तो हम इसके लिए भी राजी, मगर भीतर उनके भाव अब भी वही, मिलना चाहिए आनंद, चाह छोड़ने तक को राजी। मुझसे लोग पूछते हैं तब पक्का है कि मिलेगा, हम चाह भी छोड़ देंगे, मगर कहां चाह छोड़ रहे हो तुम तो चाह को पक्का किए ले रहे हो, पक्का है मिलेगा, चलो ये भी करेंगे, अगर चाह छोड़नी तो ये शर्त भी पूरी कर देंगे, मगर ऐसा आदमी बीच बीच में आंख खोल कर देखता रहेगा, अभी तक मिला नहीं, चाह की चाह गई और आनंद का कुछ पता नहीं, अब कितनी देर और लगेगी, मगर ये बीच बीच में आंख खोल कर देखना ही बता देगा कि अभी चाह उतनी की उतनी मौजूद जितनी पहले थी, छिप के मौजूद है। बुद्ध के पहले उपनिषदों ने परमात्मा की सीधी विधायक व्याख्या की थी, सच्चिदानंद वह परम आनंद। बुद्ध ने परिभाषा बदल दी, देखा कि लोग समझे नहीं उसे, लोगों ने गलत समझा, लोगों ने आनंद को ही अपना लक्ष्य बना लिया। बुद्ध ने कहा परम अवस्था का केवल इतना ही अर्थ है कि वहां दुख नहीं, सुख की मत बात करो, सिर्फ दुख नहीं। इस भेद को जरा समझना, अगर कोई कहे कि वहां परम आनंद है तो एकदम उछाह उठती है, उमंग उठती कि पाले, और कोई कहे कि वहां दुख नहीं
तो दिल बैठ जाता है कि दुख नहीं बस इतना ही, कुछ और बताएं, मिलेगा क्या? बुद्ध कहते हैं मिलेगा यही कि दुख नहीं, दुख निरोध। बुद्ध ने शब्द उपयोग किया दुख निरोध कि वहां दुख न रह जाएंगे। दोनों में बड़ा फर्क हो गया, बात एक ही थी मगर वासनाग्रस्त लोगों बुद्ध की बात नहीं जमी। आज भी वे उपनिषद दोहराए जा रहे हैं और बुद्ध को तो कब का भुला चुके, भारत से तो बुद्ध की जड़ें उखाड़ के फेंक दी। हालांकि बुद्ध ने जो किया था वो महत्कारी था, बहुत अद्भुतकारी था। बुद्ध ने चेष्टा की थी कि तुम्हारे भीतर वासनाओं को बिल्कुल ही काट दिया जाए ताकि तुम्हें आनंद मिल जाए, मगर तुम चूक गए, तुम बुद्ध से चूके, तुम बुद्धों से चूकते रहे हो क्योंकि तुम्हारी भाषा का जाल बुद्ध ने तोड़ने की कोशिश की। बुद्ध ने नई भाषा रची, बुद्ध ने कहा वह परम अवस्था उसका नाम मोक्ष नहीं, उसका नाम निर्वाण। क्यों मोक्ष क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष का अर्थ होता है मैं रहूंगा वहां मुक्त होकर रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा और मुक्त होकर रहूंगा, लेकिन जब तक मैं है तब तक कहां मुक्ति? मुक्ति तो तभी है जब मैं गया, मैं से मुक्ति ही मोक्ष है। ये परिभाषा है मोक्ष की। और सुनने वालों ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मोक्ष कोई झंझट नहीं, कोई बंधन नहीं, पत्नी बच्चे संसार कोई उपद्रव नहीं, बैठे हैं सिद्ध शिला पर भोग रहे आनंद ही आनंद, एकदम वर्षा हो रही अमृत की, झड़ी लगी, मगर मैं हूं। अगर मैं हूं तो मोक्ष नहीं, लेकिन मोक्ष शब्द में मैं बच जाता है। मोक्ष से ऐसा भाव लगता है कि मैं तो रहूंगा मुक्त होकर रहूंगा। बुद्ध ने कहा कि नहीं तुम नहीं रहोगे, इसलिए निर्वाण शब्द चुना। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना, तुम तो ऐसे बुझ जाओगे जैसे दिया बुझ जाता, तुम तो रहोगे ही नहीं। अब ये बात कुछ वासना जगाएगी। लोग बुद्ध से पूछे हैं बहुत बार कि आपकी बातें बड़ी अजीब है, अगर हम रहेंगे ही नहीं तो किस लिए हम ध्यान करें और किस लिए हम साधना करें? मिटने के लिए, आदमी होने के लिए कुछ करना चाहता है, मिटने के लिए नहीं। ये तो आप अजीब शिक्षा दे रहे हैं कि शून्य हो जाओगे। अरे शून्य हमें होना ही नहीं, हमें पूर्ण होना है। उपनिषद ठीक कहते हैं लोगों ने कहा, वह पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है, उस पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दें तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। ये बात जचती, पूर्ण में कुछ आकर्षण मालूम होता है, पूर्णता अहंकार को और सजावट दे देती, श्रृंगार दे देती। बुद्ध कहते हैं शून्यता निर्वाण, उपनिषद कहते हैं आनंद, बुद्ध कहते हैं दुख निरोध। उपनिषद कहते हैं फूल ही फूल खिल जाएंगे, बुद्ध कहते हैं कांटे नहीं होंगे। मगर कांटे नहीं होंगे ये बात किसको राजी करेगी? तप करने के लिए, योग करने के लिए, अगर तुम योग कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, सिर के बल खड़े हो, महीनों का उपवास कर रहे हो, कोई पूछे किस लिए, तुम कहोगे कि वहां दुख निरोध, कि वहां दुख नहीं होगा। और इतना दुख यहां पा रहे नाहक, और कुल परिणाम इतना होने वाला दुख निरोध नकारात्मक। लेकिन जहां दुख नहीं है वही आनंद का आविर्भाव है। बुद्ध उसको कहते नहीं, उसको कहते से भूल हो जाती, क्योंकि तुम वही समझ सकते हो जो तुम समझ सकते हो। एक सिनेमा गृह में अच्छी फिल्म लगी हुई थी, चंदूलाल ने अपनी प्रेसी से कहा कि पीछे की सीट के टिकट ले लेते। प्रेसी बोली और अगर पीछे की सीट के टिकट न मिले तो? तो चंदूलाल बोला तो क्या, फिर पिक्चर ही देखेंगे। लोगों की अपनी भाषाएं,
लोगों के अपने हिसाब, लोग बड़े बचकाने। छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी से पूछता है, दादी माँ क्या आप तय बोल सकती? दादी ने कहा बेटे क्यों नहीं बोल सकती। बच्चा बोला अच्छा तो बोलिए, क्योंकि माँ कह रही थी कि जब ये बुढ़िया तय बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन बच्चे को क्षमा किया जा सकता है, वो बेचारा जितना समझ सकता था उतना समझा कि सिर्फ तय बोलने की बात है तो बोली तो तय, बहुत सारा पैसा मिल जाए। उसे क्या पता कि तय बोलने के पीछे बड़े राज। लेकिन बड़े बड़ों की भी गति यही है, ना तो तुमसे जो कहा जाता है वह तुम समझते हो, ना तुम जो देखते हो वह तुम समझते हो। जब तक मन है तब तक तुम सब कुछ विकृत कर लोगे। मन से मुक्त होकर सत्य दिखाई पड़ना शुरू होता, तब यह संसार अद्भुत है, तब यह संसार माया नहीं। माया इसे तुम्हारे मन ने बनाया है, माया का जाल तुम्हारे मन ने इस पर फैलाया है। भरथरी घर द्वार छोड़कर जंगल चले गए, जंगल में ध्यान करने बैठे। सम्राट थे, बहुत धन दौलत थी, सब छोड़ आए थे। सुबह सुबह अंधेरे में ध्यान कर रहे, तभी सूरज की पहली पहली किरणें उतरनी शुरू हुई, प्रभात हुई, आंख खुली, ध्यान से देखा सामने ही पगडंडी पर एक बड़ा हीरा पड़ा है, सुबह की रोशनी में चमकता हुआ। इससे बड़े बड़े हीरे छोड़कर आए थे, आदमी का मन देखते हो। लेकिन एक क्षण को लालसा जग गई को उठा लू, चौंक गए, संभल गए, नहीं उठाया। मगर एक क्षण को वासना ने घेर लिया, एक क्षण को मन वापस लौट आया, भूल ही गए कि मैं सब छोड़ाया, इससे बड़े बड़े हीरे छोड़ाया, इस हीरे की क्या औकात, क्या बिसात। मेरे पास खजाने थे जिनमें हीरे हीरे भरे थे, इनको छोड़ के आया हूं और इस हीरे को, रास्ते पे पड़े हुए हीरे को उठाने की इच्छा उठ रही। इसलिए घर छोड़कर आया हूं, महल छोड़कर आया हूं। मगर एक क्षण को वासना पकड़ ली, वासना इतनी तीव्रता से पकड़ती है, इतनी गतिमान है। कहते हैं प्रकाश की गति बहुत तेज होगी मगर वासना के मुकाबले नहीं। कहते हैं वैज्ञानिक की प्रकाश एक सेकंड में 186,000 मील चलता है,